जिनकी भक्ति करो भाव से झुकाओ शीश। एक समय जब पापी कंस ने प्रजा पे अत्याचार किया, सभी कृष्ण ने कारागृह में आधी रात अवतार लिया। बंधी ग्रह के ताले टूटे माया अपरंपार, लिए शीश पे वासुदेव लो चले रे जमुना पार। हुई ध्वंस वो चाल कंस की, हुई ध्वंस वो चाल कंस की, सकुशल है जगदी। जय द्वारका जी, जय जय द्वारका जी। अपने छल से मरी पूतना विफल हो गई चाल, गोकुल के सब ग्वाल बाल संग खेल रहे गोपाल। माँ की ओखली से बंध गए जब नन्हे कृष्ण मुरार, उसी ओखली से किया लो यमलार्जुन उद्धार। नाग कालिया बड़ा दुष्ट था जहरीली, उसके फन को नाथ के प्रभु ने किया प्रजा जन का उद्धार। मुरली बजाए रे मनमोहन, मुरली बजाए रे मनमोहन, खड़े नाग के शीश। जय द्वारका जी, जय जय द्वारका जी। एक दिन करने स्नान गोपियां आई जमुना दी, होके नगन उतर गई जल में तट पे रख दिए थी। नटखट छलिए को जो सूझा चीर हरण कर चुप गए लाल, हाथ जोड़ कर खड़ी गोपियां समझाए उनको गोपाल। गोवर्धन पर्वत को उठाया दे उंगली की थे, सबकी डूबने से रक्षा की सबकी राखी थे। ग्वाल गोपियां गौएं देखी, ग्वाल गोपियां गौएं देखी, कान्हा को आशीष। जय द्वारका जी, जय जय द्वारका जी। दुष्ट कंस की बारी आई, जिसने अत्याचार किया, जिसने अत्याचार किया, चाल चली गोपाल ने ऐसी, कंस का झट संहार किया, कंस का झट संहार किया। उसकी छाती पर चढ़ बैठे, उसकी छाती पर चढ़ बैठे जगतपति जगदी। जय द्वारका जी, जय जय द्वारका जी। जय द्वारका जी, जय जय द्वारका जी। कन्हैया, इस बार भी नीच जरासंघ युद्ध के मैदान से प्राण बचाकर भाग गया, पता नहीं उसके हमलों का क्या बंद होगा। भैया, ये चिंता तो मुझे भी है, केवल मेरे कारण निर्दोष प्रजा का विनाश हो रहा है। भैया, मैं चाहता हूं। रुक क्यों गए कृष्ण, चुप क्यों हो गए, बोलो क्या चाहते हो। भैया, मैं चाहता हूं मथुरा छोड़कर चला जाऊं। तुम क्या कह रहे हो कृष्ण। मैं ठीक कह रहा हूं भैया, प्रजा को बचाने का यही एक उपाय है। मुझे ना पाकर जरासंध कभी मथुरा पर हमला नहीं करेगा।
तुम ठीक कह रहे हो कृष्ण, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आप? हाँ, यहां कृष्ण वहां बलराम। भैया कृष्ण चलो। चलिए मगधराज की जय हो। कृष्ण बलराम के साथ मथुरा छोड़कर भाग गया। मथुरा छोड़कर भाग गया, लेकिन कहां जाएगा बचकर? काल यवन प्रत्योभव। मगधराज मुझे किस लिए याद किया है? बताओ कृष्ण और बलराम इस समय कहां है? कृष्ण और बलराम दोनों भारत की पश्चिम दिशा को जा रहे हैं। तो जाओ, दोनों को किसी तरह भी मार डालो। कृष्ण बलराम माया तुम कौन हो? काल यवन, तुम्हारा काल। कृष्ण तुम काल यवन को संभालो, मैं इन्हें देखता हूं। सितंबर ऑर्डर सो रहा है। देखता हूं अब तुझे कौन बचाता है। चलिए आप, तेरी हर माया मैं समझता हूं। नहीं, मैंने क्या किया? अब मुझे भगवान विष्णु के दर्शन नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। कहते हैं प्रभु की लीला। काल यवन काल के मुख में चला गया और भक्त को भगवान मिल गया। मुनिवर प्रभु, यहां से जाकर ब्रिज धाम की तरह ऐसा पवित्र धाम बसाइए जो अनंत काल तक लोगों को याद रहे, और वह धाम होगा द्वारिकापुरी। बलराम की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। बलराम की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय।
अपने सिंहासन पर विराजिए। नहीं कृष्ण, इस सिंहासन के सच्चे अधिकारी तुम ही हो। कहने के लिए तो मैं तुमसे अवश्य बड़ा हूं, किंतु जीवन के हर क्षेत्र में तुम मुझसे बढ़कर रहे हो, इसलिए तुम ही द्वारिकाधीश बनो, यही मेरी इच्छा है। गोपाल मां। मां? हाँ गोपाल, जो बलराम की इच्छा है वही मां यशोदा की इच्छा है। प्रणाम मां। जीते रहो बेटे, कितने दिनों के बाद आज तुम दोनों को देख रही हो। किंतु मां, तुम अकेली? नंद बाबा और सब लोग? वो सब मथुरा में हैं। तुम्हें देखने के लिए मैं कहां कहां भटकी, बड़ी मुश्किल से यहां आई हूं। मां, तुमने हमारे लिए कितने कष्ट उठाए, लेकिन तुम दोनों को देखकर मेरे सारे दुख मिट गए। मां, जिस सिंहासन पर तुम मुझे बैठाना चाहती हो, पहले तुम उस पर बैठो। मैं? मां से बढ़कर संसार में कोई नहीं। आओ मां। माता यशोदा की जय। माता यशोदा की जय। बस बस, मैंने तुम्हारी बात मान ली बेटे, अब तुम बैठ जाओ। जैसे तुम्हारी आज्ञा मां। बैठो। मां, अब तुम अपने हाथ से कृष्ण को रास्ते लग कर दो। देवर्षि। नारा नारा। हा 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 प्रभु, गले में वैजयंती माला और पुष्प माला भी, किंतु वरमाला कौन पहनाएगा? तो बताइए मुनिवर, मेरे कृष्ण की योग्य कौन सी कन्या है? महाराज विष्मत की पुत्री रुक्मिणी। रुक्मिणी? हाँ, वह रूपवती भी है और गुणवंती भी। प्रभु ध्यान रहे, रुक्मिणी नारायण नारायण। रुक्मिणी? हाँ प्रभु, आप ही मेरे देवता हैं। पता नहीं वो घड़ी कब आएगी जब आपके चरणों में मेरे सपनों के फूल मुस्कुराएंगे। रुक्मिणी, वो घड़ी शीघ्र आने वाली है जब हमारे चरणों में तुम्हारे सपनों के फूल मुस्कुराएंगे। शिशुपाल, हमें यह देखकर खुशी हुई कि तुम कृष्ण की जगह हमारी पूजा कर रही हो। तुम्हारी पूजा? हाँ, कितनी सुंदर है हमारी प्रतिमा। शिशुपाल, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई पड़ता है। हम सावन के नहीं, प्रेम के अंधे हैं, प्रेम के अंधे। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हमारे साथी काले वन को धोखे से मरवाकर अपने भाई बलराम के साथ कहीं भाग गया, कहीं गायब हो गया। महाराज सद्धन हुआ, वो गायब होकर जाएगा कहां? मगधराज जरासंध और हमारे गुप्तर उनकी खोज में लगे हैं। वीर कृप्त वर्मा ठीक कह रहे हैं, जिस घड़ी उन दोनों का पता लग गया धूल में मिला दिया जाएगा। रुक्मिणी कृष्ण की पूजा छोड़कर हमारी पूजा करने लगी है। फिर तो वो दिन दूर नहीं मित्र जब रुक्मिणी अपनी वरमाला तुम्हारे गले में पहनाएगी। और सत्राजीत की बेटी सत्यभामा अपने प्रेम के फूल हमारे चरणों पे चढ़ाएगी। हर दिन श्री कृष्ण की पूजा करके आती हैं, इससे आपको क्या मिलता है? सब कुछ मिलता है, अनंत सुख, अनंत शांति, इनकी महिमा बड़ी निराली है। बड़ी निराली? हाँ,
हाँ, ये भगवान विष्णु के साक्षात अवतार है सत्युग ने। इन्होंने वामन अवतार लेकर राजा बलि से दान में 3 पग धरती मांगे थी और 3 पग में ही तीनों लोगों को नाप लिया था। बालक जैसा रूप लिए सर छत्र धरे सुकुमार, भगत के घर भगवान चले ले वामन का अवतार। दानवपति बलि को था बड़ा निज दान पे अभिमान, उसकी परीक्षा लेने चले याचक बनकर भगवान, याचक बनकर भगवान। बलि ने बालक से पूछा बोलो क्या इच्छा आपकी, वामन बोले जगह चाहिए 3 कदम के माप की। 3 कदम बलि हुए तैयार, किंतु श्री शुक्राचार्य ने जान लिया वामन का ये रूप लिए श्री विष्णु को पहचान लिया, सूक्ष्म रूप धर शुक्राचार्य जी। सूक्ष्म रूप धर शुक्राचार्य बीच कमंडल समा गए, वामन के तिनके से अपने नैन की ज्योति गवा गए, वामन के तिनके से अपने नैन की ज्योति गवा गए। से धरती मापी झुका दिया, बलि ने निज मस्तक झुका दिया। बलि गया पाताल, देवगण देते हैं आशीष। त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लेकर ऋषि मुनियों को दुख पहुंचाने वाली भयानक राक्षसी ताड़का का वध किया, महर्षि गौतम की शापित पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। धरती पर जब बढ़ा अधम असुरों का अत्याचार, असुरों का अत्याचार, धनुष बाण ले हाथ प्रभु ने लिया राम अवतार, लिया राम अवतार। मिली राह में दुष्ट ताड़ का मायावी विकराल, मायावी विकराल, जिसके माया जाल से आया आंधी का भौचाल, आंधी का भौचाल। बड़ा भयानक रूप है उसका करे विकट चित्कार, करे विकट चित्कार। मित्र
शूद्र ने एक पांव से उसका हाथ दबाया, नारी शिला बनी लाचार, प्रभु ने चरण कमल की रज से उसका किया उद्धार, अहिल्या का किया उद्धार। जय हो भक्तों के उद्धार, जय जय हे जगदीश, जय द्वारका की। भक्त वत्सल, श्री प्रभु राम की कृपा से अनेक भवसागर तर गए। ऋषि मुनियों के धर्म यज्ञ की रक्षा को तैयार, रक्षा को तैयार, प्रभु राम है खड़े लखन संग बनकर पहरेदार, बनकर पहरेदार, बनकर पहरेदार। दो राक्षस मारीच सुबाहु विघ्न रहे थे गार, विघ्न रहे थे गार, प्रभु राम के कारण उनकी विफल हो रही चाल, विफल हो रही मथुरा छोड़कर भागा तो कृष्ण का आज तक पता नहीं चला। यही तो पता लगा के आए हैं महाराज। हाँ महाराज, श्री कृष्ण तो द्वारकाधीश हो गए हैं। द्वारकाधीश? द्वारकाधीश? प्रभु, पापी जरासन का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। कितने ही निर्दोष राजा उसके बंदी गृह में पड़े हैं। प्रभु, उस दुष्ट का नाश कीजिए। धर्मराज, उसके नाश का समय आ पहुंचा है, किंतु इस महान कार्य को पूरा करने के लिए मैं आपसे महाबली भीमसेन को चाहता हूं। भीमसेन तो क्या, हम सब पांडव आपकी आज्ञा पे अपने प्राण दे सकते हैं। जाओ भीमसेन। चलिए प्रभु। जय द्वारकाधीश, द्वारकाधीश, द्वारकाधीश। हमारे भय से भागा हुआ कृष्ण अभी तक जीवित है, इस बार हम उसे
महाकाल, जय महाकाल। जरासन, ये सब महाकाल की लीला है। तुम द्वारकापुरी में प्रलय लाना चाहते थे, किंतु वो प्रलय यहीं पर हो गई। सन्यासी कौन हो तुम? भोलेनाथ के सेवक, महामंत्री। इन्हें दान देकर विदा कर दो। किंतु हम दान नहीं लेते। क्या चाहते हो? तुमसे मर युद्ध करना चाहते हैं। हमसे? कहां ये हमारी बलवान बुझाएं और कहां तुम मच्छर के समान। जरासन, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये बात है तो बोलो, तुम दोनों में से कौन हमसे लड़कर काल के मुंह में जाना चाहता है? मैं लड़ूंगा। चलो अखाड़े में। मैं तो तुम्हारी आंखों के सामने से धूल का वो बादल हटाना चाहती हूँ
जिसके कारण तुम आज तक कृष्ण को नहीं पहचान सके। मैं क्या दावे मुझे दे दो। नहीं दूंगी, छोड़ो, छोड़ो। नहीं दूंगी। नहीं छोड़ो। नहीं छोड़ो। नहीं छोड़ो। नहीं छोड़ो। नहीं दूंगी, छोड़ो। कहाँ? उसका दुष्ट भाई शिशुपाल से करना चाहते हैं। उसके चाहने से क्या होता है? कृष्ण के कहने की देर है, रुक्मिणी बहु बनकर द्वारिकापुरी आ जाएगी। रुक्मिणी छोड़ दो, तुम्हारी मांग में सिंदूर कृष्ण नहीं शिशुपाल भरे। शिशुपाल दुर्योधन और जरासंध जैसे दुराचारियों का साथी। रुक्मिणी भैया, झूठे सम्मान ने तुम्हें अंधा कर दिया है, इसलिए तुम अपनी बहन को एक दुराचारी के हाथ बेचना चाहते हो। रुक्मिणी, तुम अपने भाई का अपमान कर रही हो। जब भाई अपना धर्म भूल जाए तो अपनी लाज बचाने के लिए बहन को अपने कर्तव्य का पालन करना ही पड़ता है। सत्य है, जीती रहो बेटी, कर्तव्य से बढ़कर संसार में कोई चीज नहीं। हमें तुम जैसी बेटी पर अभिमान है। पिताजी, रुक्मिणी हट छोड़कर सच्चाई को पहचान। आज सारे संसार में श्री कृष्ण से बढ़कर कोई महान पुरुष नहीं। दामाद के रूप में उन्हें पाकर हमारा सम्मान घटेगा नहीं, बढ़ेगा। मैं कुछ सुनने नहीं चाहता। ना आ रहा है, तुम वही करोगे जो समय चाहता है। देवर्षि, ना आ रहा है, ना आ रहा है। समय चाहता है रुक्मिणी का स्वयंवर। स्वयंवर से क्या होगा? जो तुम चाहते हो पुत्री, भाई की बात मानो। ना आ रहा है, नारा। अपने विश्वास को पहचानो, मैं फिर आऊंगा। एक तारा बजेगा, समय का चक्र चलेगा, तुम्हें मन चाह पति मिलेगा। नारा है, नारा है। मेरे भैया रुक्मिणी स्वयंवर के बहाने मुझे पापी शिशुपाल के हाथों सौंप देना चाहते हैं, किंतु मेरे देवता तो आप ही हैं, मुझे तो केवल आप ही का सहारा है। कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। अगर आप समय पर ना आए तो मैं आपका नाम लेते लेते अपने प्राण दे दूंगी। आपके चरणों की दासी रुक्मिणी। रुक्मिणी का स्वयंवर गोगा महाराज। महाराज महाराज महाराज।
महाराज आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, आपकी तो मूछें भी फड़क रही हैं, आपकी तो आंखें भी नाच रही हैं। देवी रुक्मणी का स्वयंवर हो रहा है, हम वहाँ जाएंगे और रुक्मणी के हाथों वरमाला पहनेंगे। तुम लोग देख क्या रहे हो, हमें जल्दी से सजाओ, सजाओ। सजाते हैं, अभी सजाते हैं। अरे आप तो तिला बनाते हैं। शीशे में छवि तो निहारी है। हमारा मुंह काला? अरे नहीं नहीं, काला मुंह नहीं, श्याम रंग। हाँ भगवान कृष्ण में तो श्याम रंग के हैं। राजकुमारी रुक्मणी का क्या रूप है, जैसे चंद्रमा के हंसते हुए चांद। लेकिन राजकुमार इनका विवाह शिशुपाल से करना चाहते हैं और इनके मन में है श्री कृष्ण। चुप रहो, तुम लोगों ने श्री श्री कृष्ण का नाम लिया तो तुम सब लोगों की तमाम साफ ली जाएगी। भैया, समस्त राजा स्वयंवर स्थल में पहुंच चुके हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु ध्यान रहे, वरमाला शिशुपाल जी को ही पहनानी होगी। वरमाला तुम्हारी आज्ञा पर नहीं, रुक्मिणी की इच्छा पर निर्भर है। पिताजी नारायण नारायण। फिर वही पिता पुत्र का वाद विवाद, किंतु गौरी माँ को कौन याद करे। गौरी माँ? नारायण नारायण, कुल देवी की पूजा किए बिना ये शुभ काम अमंगलकारी हो जाएगा। देव ऋषि ठीक कह रहे हैं, जाओ बेटी माँ गौरी की पूजा कर, आशीर्वाद लिया। जीती रहो। लेकिन सुनो शिक्षा, बताना रुक्मिणी, तुम भाई छोड़कर मंदिर जाओ, वही बजेगी बांसुरिया और मिलेंगे सांवली। Lori ma, 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 Lori ma,
माँ गौरी सबकी प्रार्थना सुनती है। जय माँ गौरी। और रुक्मिनी हम द्वारकापुरी चले। ये साहस राजकुमार अब अपना साहस दिखाइए। लीजिए तलवार और हो जाइए एक दो तीन चार। शिशुपाल जी मैं भी कृष्ण को मारकर रुक्मणी को यहां ले आता हूं। कर कहा जाएगा मैं अपनी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। स्वामी 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 आज के शुभ दिन मेरे भाई पर दया कीजिए। भगवान की जय। राजकुमारी जी आप यहाँ उनकी जय जयकार कर रही हैं। उन्होंने तो वहाँ हरण कर लिया। हरण किसका? राजकुमारी रुक्मिणी को। राजकुमारी रुक्मिणी ने प्रभु की कितनी भक्ति की होगी
जो श्री कृष्ण ने उन्हें अपना लिया। पता नहीं मुझ पर प्रसन्न होकर कब मेरे देवता मुझे अपनाएंगे। नारायण नारायण। सत्यभामा, दया के सागर नटवर नागर अवश्य तुम्हें अपनाएंगे। अपना दिया हुआ वचन वह कभी नहीं भूले। वचन? कौन सा वचन मुनि भाई? जो उन्होंने तुम्हें त्रेता युग में दिया था। त्रेता युग? हाँ, जब तुम नाग कन्या चंद्रसेना थी, पाताल पति अहि रावण को मारने के बाद श्री राम तुमसे मिलने आए थे। चंद्रसेना, 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 क्या देख रही हो? बैठी प्रभु। चरणों की दासी को धन्य कीजिए। विश्वासघात नहीं किया, मुझे धर्म संकट से बचा लिया। प्रभु। हाँ चंद्रसेना, मैं एक पत्नी व्रतधारी हूं। पिता के होते हुए दूसरी नारी को पत्नी रूप में पाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या तुम चाहती हो मैं अपने कर्तव्य से गिर जाऊं, मेरी मर्यादा समाप्त हो जाए? नहीं नहीं प्रभु, आपकी मर्यादा सदा बनी रही। क्या मेरी इच्छा कभी पूरी न होगी? निराश न हो चंद्रसेना, द्वापर युग में तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। उस समय तुम सत्यभामा बनोगी और मैं कृष्ण। सत्यभामा, तुम्हारी तपश्चर्या व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारे राम श्याम घनश्याम बनकर अवश्य मिलेंगे। ना, ना। मेरे राम, मेरे श्याम। मेरी जगह सत्यभामा का नाम कौन है? सत्यभामा सत्राजीत की बेटी, जो मुझसे जन्म जन्म से प्रेम करती। जन्म जन्म से? हाँ। इसका मतलब आप मुझसे प्रेम नहीं करते, आपके हृदय में मेरे लिए
परेशान नहीं। ऐसा ना कहो रुक्मिणी। रुक्मिणी, माया के अंधकार से निकलकर सत्य का प्रकाश देखो। सचमुच मायापति की माया को कोई नहीं समझ सकता। अर्जुन, तुम यहाँ कैसे? सब कुशल तो है। आपकी कृपा है, बड़े भैया धर्मराज राष्ट्र यज्ञ करने जा रहे हैं, उसी के लिए आपको लेने आया हूँ। दुर्योधन जाओ और उस चक्रधारी को अपने चक्रव्यूह में फंसा लो। घबराओ नहीं मामा, वो अगर द्वारकाधीश है तो मैं भी करोड़पति हूं। विदुर जी, विदुर जी, भक्तराज विदुर जी। क्या बात है भाई? भगवान द्वारकाधीश आ गए। क्या मेरे प्रभु द्वारकाधीश आ गए? हाँ हाँ भक्तराज जी, मैंने अभी अभी उनके दर्शन किए। तुम बड़े भाग्यशाली हो भाई जो तुम्हें उनके दर्शन हो गए। देवी 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 देवी, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? क्या स्वर्गलोक की संपदा मिल गई? उससे भी बढ़कर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ आ चुके हैं। वो पांडवों के यहाँ आए हैं, तुम्हारे यहाँ तो नहीं? देवी, मेरा घर भी उनके चरण कमलों से अवश्य पावन होगा। हो गया पावन। मैं कहती हूँ आषाढ़ हो या श्रावण, तुम्हारे मन भावन कृष्ण तुम्हारे घर में कभी नहीं आएंगे। वो द्वारकाधीश है, त्रिलोकी नाथ है। किंतु वो दीनानाथ नहीं है, वे सबकी सुनते हैं, मेरी भी सुनेंगे। इस बात में उन्हें लेकर अवश्य आऊंगा। जय द्वारकाधीश। विदुर जी, आप? कन्हैया, मैं भी आया हूं। दुर्योधन, तुम भी? कहो कैसा ना हुआ? अब क्या बताऊं, आप तो हमेशा पांडवों के गुण गाते रहते हैं। आपने ये कभी ना सोचा कि हम कौरवों के दिल में आपके लिए कितना सम्मान है? जिनके मामा शकुनी हो उनके भांजों की भावना मुझसे नहीं छुपी। आप कितने समझदार हैं प्रभु। यही सोचकर आपको भोजन का निमंत्रण देने आया हूँ। प्रभु, मैं भी आपको निमंत्रण देने ही आया हूँ। काका, कहाँ आप और कहाँ हम? द्वारकाधीश धनवानों के हैं, निर्धन के नहीं। प्रभु चलिए ना। भगवान श्री कृष्ण की जय। द्वारकाधीश की जय। श्री कृष्ण की जय। द्वारकाधीश की जय। श्री कृष्ण की जय। बैठो श्री जी, विराजिए विराजिए। हमारी ओर से ये पुष्पहार स्वीकार करो द्वारकाधीश। इसके हर फूल में प्रेम की सुगंध है। प्रेम की सुगंध या स्वार्थ की गंध? हम स्वार्थी नहीं, परमार्थी हैं। आज आप सदा के लिए हमारे बंधन में बंध जाएंगे। कौन मुझे बंधन में बांधेगा
ये तो समय बताएगा। क्यों आ गए ना मुलट खाए हुए? बड़े खुशी में उछलते हुए उन्हें लेने गए थे, फिर मैं पूछती हूँ क्यों नहीं लाए अपने साथ? वो तो दुर्योधन के साथ चले गए। हाँ हाँ, तो महल वाले महल में ही जाएंगे, यहाँ क्या रखा है? बस हो गई तुम्हारी भक्ति पूरी। अरे मैं कहती हूँ वो दीनों के नाथ नहीं। ऐसा न कहो देवी, वो दीनों के नाथ हैं, कामा के सागर हैं। प्रभु प्रभु प्रभु, मेरे कृष्ण का नहीं गोपाल। चलिए द्वारकाधीश, आपके लिए 56 भोग तैयार। हाँ श्री कृष्ण, चलिए चलिए। गोपाल गोपाल, गोपाल मेरे गोपाल। तुम उन्हें कितना भी पुकारो, उनके लिए कितने भी आंसू बहाओ, वो नहीं आएंगे। देवी ऐसा न कहो, देवी ऐसा न कहो, मेरे प्रभु अवश्य आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। विश्वास है? तुम्हारा विश्वास झूठा है। मेरे भक्त का विश्वास कभी झूठा नहीं हो सकता। प्रभु भगवान। विदुर जी, मेरे नटवर नंद किशोर, देखा देवी, मेरी कुटिया को पवित्र करने मेरे श्याम आ गए, मेरे श्याम आ गए। हाँ स्वामी, आज आपके कारण मुझे भी प्रभु के दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हुई। विराजी प्रभु, त्याग कर विदुर के घर साग खा रहे हो? आखिर ग्वाला जो खाया सही, अब तुम जीवन भर साग ही खाते रहोगे। माया चक्र चला प्रभु का, माया चक्र चला, कौरव गण की कुटिल बुद्धि का रूप रंग बदला। चला रे माया चक्र चला प्रभु का, माया चक्र चला। इंग्लिश का आनंद लो। दीन बंधु भगवान कृष्ण की माया ने उलझाए, तुम्हारे 56 भोग से भी बढ़कर उलझाए। शाख विदुर का चटक चटक कर बड़े स्वाद से खाए। अमृत चला प्रभु का, माया चक्र चला। 56 भोग 3600 व्यंजन अपने घर के भुलाए, अपने घर के भुलाए। महलों वाले भक्त राज की कुटिया में भरमाए। चला रे माया चक्र चला प्रभु का, माया चक्र चला। मुझे भी कन्हैया, मुझे भी। स्वादिष्ट। क्या बात, क्या बात, जीवन सफल हो गया। आत्मा संतुष्ट हो गई। बोलो द्वारकाधीश की, बोलो भक्तराज विदुर की, बोलो द्वारकाधीश की, द्वारकाधीश की, द्वारकाधीश की, द्वारकाधीश की। प्रभु शाक विदुर का खाया, शाक विदुर का खाया। अभिमानी कौरवों के गंभीर सर को नीचे झुकाया। बोलो द्वारकाधीश की, श्री कृष्ण की जय। श्री कृष्ण, अरे यह में क्या हो गया था? समझ गया मामा, ये सब कुछ उसी कृष्ण की माया थी। कृष्ण की माया? हमारा इतना बड़ा अपमान? चिंता न करो भांजे,
इस अपमान का फल भोगना पड़ेगा। रुक्मिणी हरण के कारण शिशुपाल उसका बैरी बन बैठा है। बस कल रात हुए यज्ञ में उसी के द्वारा उसके अपमान का बदला लिया जाएगा। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मैं वो खैया तक नहीं भूला दुर्योधन। उस माखन चोर ने छल कपट से रुक्मिणी का हरण करके मेरी तमाम आशाओं पर पानी फेर दिया। मैं प्यार के सपने मिट्टी में मिला दिए। शिशुपाल, इससे बढ़कर आपका अपमान और क्या हो सकता है? इस अपमान का बदला लेने के लिए मेरे मन में क्रोध का ज्वालामुखी चल रहा है। कृष्ण का खून पीने के लिए मेरी तलवार तड़प रही है। और राजाओ, जिन भगवान द्वारकाधीश की कृपा से हमारा राज हुए यज्ञ पूर्ण हुआ है, वही श्री कृष्ण अग्र पूजा के योग्य है। नहीं धर्मराज, मैं इस योग्य नहीं। भगवान, समस्त गुणों में आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं। हमारी पूजा स्वीकार कीजिए प्रभु। चलिए आइए द्वारकाधीश। चलिए राजी है प्रभु। पूजा करके बहुत नीच काम किया है। शिशुपाल, बड़े बड़े महात्माओं और राजाओं के होते हुए तुमने इस गवाले की पूजा की? तुम भूलते हो शिशुपाल, श्री कृष्ण ग्वाले नहीं महान पुरुष है। महान पुरुष? जैसे स्वान लुक छुप कर थोड़ा सा घी चाट लेने के बाद अपने आप को धन्य समझता है, वैसे ही यह कृष्ण अपने आप को महान समझने लगा। मैं तो महान नहीं हूं, किंतु ऐसे अपशब्द कहकर तुम छोटे जरूर बन रहे हो। छोटा मैं दुष्ट? कहां हम और कहां तू एक मामूली चरवाहा। हमारी और तुम्हारी क्या तुलना? कभी नहीं हो सकती। जैसे मंत्रों में गायत्री मंत्र, नदियों में गंगा, नक्षत्रों में चंद्रमा और पक्षियों में करुण, उसी तरह देव मानव और गंधर्वों में भगवान श्री कृष्ण है। वाह रे अर्जुन, भार की तरह चोर के गुण गाते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? शिशुपाल, तुमने मेरे पीछे द्वारकापुरी जलाने की कोशिश की, भोजराज के सब निर्दोष साथियों को मार डाला। इतना ही नहीं, तुमने अपनी ममेरी बहन भद्रा का हरण किया। बताओ, लज्जा किसे आनी चाहिए, मुझे या तुम्हें? कृष्ण, अभी तुमने मेरी शक्ति नहीं देखी। मैं तो तुम्हारी कायरता देख रहा हूँ। कायर मैं नहीं, कायर तू है। यादक, मैं कंस ही शिशुपाल हूँ, तुझे फूंक से उड़ा सकता हूँ। शिशुपाल, फूंक मारने से तिनका उड़ता है, हिमालय नहीं। चुप रह ठीक, अपने ही मुंह से अपनी प्रशंसा करता है। गोपियों का चीर हरण करने वाले गोले, और अब तुझ में हिम्मत है तो नीचे उतर। कपटी, आज मैं इस तलवार से तेरा सिर उड़ाऊंगा। इससे पहले मैं तुम्हें यमपुरी पहुंचा दूंगा। खेलो। और अब केवल 7 गालियां शेष रह गई। बहरूपिये, तू मेरी गालियां गिन रहा है और मैं तेरी मौत की घड़ियां गिन रहा हूं। पापी नीच कमीने। अर्जुन, शिशुपाल, अब केवल 4 गालियां रह गई। धूत, पाखंडी निर्लज, अब मेरे सामने तेरा यह पाखंड नहीं चलेगा। कन्हैया, शिशुपाल, अब तुम्हारी अंतिम गाली के साथ ही तुम्हारा अंत होगा। मेरा अंत? तू क्या मेरा अंत करेगा? गवारे, चरवाहे, लंपट गवार। साधन शिशुपाल, तुम्हारी माँ को दिया हुआ वचन अब पूरा हो गया है। अब तीनों लोगों में तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता।
होते ही रहोगे, कुछ कहोगे भी। कौन मर गया? महाराज तात्पर्य ये है कि महाराज शिशुपाल मर गया। शिशुपाल जी मर गए? किसने मारा उसे? जो पापियों को मारते हैं, जो भक्तों को तारते हैं। नहीं समझे कृष्ण के कन्हैया? कन्हैया कन्हैया कन्हैया, हम कन्हैया से शिशुपाल का बदला लेंगे, हम उसका सर्वनाश कर देंगे। यही कहते कहते तो वो स्वर्ग चले गए। लेकिन मूर्खो, हम कर्ण जरासंध या शिशुपाल नहीं, हम सब धनवा और कृतवर्मा हैं। हम कृष्ण को काल की गोद में सुला कर रहेंगे। हम उस द्वारकाधीश को द्वारकापुरी के साथ सागर में डुबो देंगे। समझे? सत्यभामा, काका जी, मैं तुम्हें कब से पुकार रहा हूँ, किसके ध्यान में खो गई थी? ध्यान? वो काका जी आप तो आ गए, पिताजी कहाँ हैं? कहाँ हैं? आज तो तू सब कुछ भूल गई। हरी पगली, बड़े भैया तो कब से भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या कर रहे हैं। आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय सत्रजीत, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। आंखें खोलो, आंखें खोलो सत्रजीत, आंखें खोलो। भगवान सूर्यदेव, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। उठो सत्रजीत, जो इच्छा हो वर मांगो। सूर्यदेव, मुझे कोई ऐसी वस्तु दीजिए जिसके द्वारा धन और ऐश्वर्य पाकर मैं श्री कृष्ण से भी महान बन जाऊं। सत्रजीत, संसार में कोई भी श्री कृष्ण से महान नहीं बन सकता। सत्रजीत, ये लो समंतक मणि। समंतक मणि? प्रभु, इस मणि से प्रतिदिन मेरे उदय होते ही जब तुम मेरी पूजा करोगे, तुम्हारे घर स्वर्ण की वर्षा होगी। भगवान सूर्यदेव की जय हो। ओम भास्कराय नमः। सत्यभामा, प्रकाश देने वाले भगवान सूर्यदेव ने हमें यह दिव्य मणि दी है, समंतक मणि। समंतक मणि? समंतक मणि? ये मणि साधारण नहीं है, भगवान सूर्यदेव की अनंत किरणों की तरह इसमें अपार गुण है। रात का अंधेरा समाप्त होते ही जैसे ही इस मणि पर सूर्यदेव की पहली किरण पड़ेगी, इसमें से स्वर्ण की वर्षा होगी। प्रतिदिन स्वर्ण की वर्षा? भैया,
तब तो हम बहुत बड़े धनवान बन जाएंगे। जरूर बन जाएंगे। देखना ये है कि ये स्यमन तक मणि हमें कहां से कहां पहुंचाती है, क्या क्या रंग दिखाती है। सत्य अश्वरथ के हे स्वामी, हे रवि ज्योतिर्मान, विश्व प्रकाशित करने वाले, हे नक्षत्र महान, कोटि कोटि किरणों वाले, सूर्य देव भगवान, जीवन है परिपूर्ण स्वर्ण से, फला मुझे वरदान, हे सूर्य जय भगवान सूर्य देव। मंतक मणि का चमत्कार सोना ही सोना। अब मैं शीघ्र ही यादवों में सर्वश्रेष्ठ हो जाऊंगा। महाराज महाराज, क्या है? सत्राजीत के महल में हर दिन सोने की वर्षा हो रही है। हर दिन सोने की वर्षा? हाँ महाराज, एक बार आप वो मणि प्राप्त कर लीजिए, फिर देखिए इस महल में रोज पत्थरों की वर्षा होगी, सोने की वर्षा होगी, सोने की होगी, जरूर होगी। सत्यभामा का विवाह हमारे साथ होते ही सिमंतक मणि स्वयं हमारी हो जाएगी। भूमि पर भयानक अकाल की छाया मंडराने लगी। नर नारी बच्चे भूख से तड़पने लगे, जानवर भूख और प्यास से मरने लगे। भगवान श्री कृष्ण बहुत चिंतित थे कि प्रजा को इस संकट से कैसे बचाया जाए। पूजा नारायण नारायण। मुनिवर बात क्या है? बात मेरी नहीं, सूर्य देव की। बड़े दयालु है, जिस पर चाहे दया की वर्षा कर दे। किस पर दया की वर्षा कर दी? नारायण नारायण, क्षत्राजीत पर। सूर्य देव को प्रसन्न कर उन्हें स्यमंतक मणि क्या मिली, बस उनके भाग्य के द्वार खुल गए। वे अपने आप को धनवानों में कुबेर और ऐश्वर्य में इंद्र से कम नहीं समझते। सच देवर्षि, सिमंतक मणि में इतना चमत्कार? बड़ा चमत्कार है। यदि कहीं अकाल पड़ जाए और वहां ये सिमंतक मणि पहुंच जाए तो अकाल दूर और सभी और आनंद ही आनंद। नारायण नारायण। मुनिवर आप तो जानते हैं इस समय ब्रज भूमि पर अकाल की छाया मंडरा रही है। जानता हूं प्रभु, बताना मेरा काम, पूरा करना आपका काम। मेरा? हाँ, आप क्षत्राजीत से वह अनोखी मणि प्राप्त कर लीजिए, फिर आज तक आपने अपनी लीला दिखलाई, इस बार स्यमंतक मणि की लीला देखिए। नारायण नारायण। मणि हम किसी को नहीं देंगे, कृष्ण हो या बलराम। भैया ये मणि हमारी है, हमने इसे बड़ी कठिन तपस्या से प्राप्त किया है। लेकिन भैया कृष्ण शक्तिवान है। नहीं, कृष्ण शक्तिवान नहीं, वो कायर है, डरपोक है। वो खड़गधारी और धनुर्धारी नहीं, केवल मुरली बजाने वाला है। सत धनवान कृतवर्मा, अच्छा हुआ आप दोनों समय पर आ गए। हमने तो जब से सुना है कि कृष्ण सिमंतक मणि लेने के लिए आने वाला है, हमारी आंखों की तो नींद ही उड़ गई। घबराइए नहीं महाराज, उस कृष्ण में इतना साहस नहीं जो हमारे होते हुए सिमंतक मणि ले जाए।
हम कंस के विषासुर और कालिया नहीं, हम हैं शतधनवा और कृतवर्मा। भैया शतधनवा कृतवर्मा ठीक कह रहे हैं। आप चिंता न कीजिए महाराज, हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। आप सत्यभामा का हाथ हमारे हाथ देना न भूलिए। ठीक तो है शत्राजीत, सत्यभामा के लिए इससे अच्छा वर और कौन मिलेगा। हाँ हाँ ठीक ठीक है। नारायण नारायण, चारों ओर प्रभु का नाम, प्रेम हो तो ऐसा। अधीर न हो सत्यभामा, त्रेता युग से जो तुम्हारे हृदय में विराजमान है वो राम श्याम आज आने वाले हैं। नारायण नारायण, मेरे राम मेरे श्याम आने वाले हैं। झूम उठा आज मेरे फूलों का अंगना, झूम उठा आज मेरे फूलों का अंगना, धन उठा खनन खनन खन खन खनन खनन हाथों का अंगना, वही मेरे राम वही मेरे श्याम, वही मेरे राम वही मेरे श्याम, आ जाने वाले हैं नन श्याम रे। झूम उठा आज मेरे फूलों का अंगना, खन उठा खनन खनन खन खन खनन खनन हाथों का कंगना, कंगना कंगना धरती डोली।
मेरे प्रभु, मेरे देवता, आप आ गए। हाँ। किंतु कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। सपना? हाँ। सपना तो चंद्रसेना का था, सत्यभामा का नहीं। तुम तो सदा सत्य देखती हो। सत्य? और सत्य यही है हम दोनों का मिलन। आज मेरी प्रतीक्षा का अंत हुआ। प्रभु, मुझे अपने साथ ले चलिए। अवश्य ले चलूंगा, किंतु आज नहीं, समय आने पर। और वो समय तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगा। सत्रा जी, मैं तुमसे समय की नहीं समंतक मणि की बात करने आया हूं। ब्रिज भूमि में अकाल पड़ा हुआ है, मानव कल्याण के लिए वो मणि तुम मुझे दे दो। मैं ये मणि कभी नहीं दूंगा। हाथ लग लीजिए पिताजी, स्वार्थ की दीवार तोड़कर दूसरों की भलाई कीजिए। मणि से मिले हुए सोने की चमक एक दिन फीकी पड़ जाएगी, लेकिन परोपकार की चमक सदा जगमगाती रहेगी। सत्राजीत, ये सत्य भावा नहीं कृष्ण का प्रेम बोल रहा है। आज तक केवल तुमने प्रेम का रंग देखा है कृष्ण, लेकिन आप तलवार का रंग भी देखो। मेरी तलवार कहाँ गई? कृष्ण कहाँ है? वो रहा, मारो। मायावी कहाँ गए? भैया, मायावी कृष्ण से पार पाना मुश्किल है। मैं सूर्य मंदिर से मणि लेकर जंगल की ओर भाग जाता हूँ। यह ठीक रहेगा। अबे और चल फोक मुरली वाले, भाई खा जा। मुरली, आप तो पकड़ लिया, आप तो पकड़ लिया, मुरली पकड़े, तू पकड़। महाराज, महाराज प्रसंग का कुछ पता नहीं चला। क्या कहा? सारा जंगल ढूंढ मारा और प्रसेन का कहीं पता नहीं लगा। कहाँ गया मेरा भाई? तो जहाँ से बहुत दूर। महाराज, स्वार्थ अंधा होता है और कृष्ण तो अपने स्वार्थ के लिए नीच से नीच काम भी कर सकता है। नीच काम? और वो नीच काम है प्रसेन की मृत्यु। प्रसेन की मृत्यु? हाँ, सिमंतक मणि के लालच में कृष्ण ने प्रसेन को अवश्य मार डाला होगा। कभी नहीं, श्री कृष्ण इतने स्वार्थी और नीच नहीं है। उनके प्रति तुच्छ भावना रखने वाले नीच है। सत्यभामा, तुम हमारा अपमान कर रही हो। प्रभु का अपमान करने वाले का मैं सम्मान नहीं कर सकती। कहा भक्त वत्सल, सत्य और धर्म के अवतार योगेश्वर कृष्ण, और कहा तुम। सत्यभामा, हमारे शत्रु कृष्ण की महिमा गाते हुए तुम्हें लाज नहीं आती? महाराज, उस मायावी कृष्ण ने सत्यभामा की आंखों पर अपने झूठे प्रेम की पट्टी बांधी है, लेकिन आज तुम्हें तमाम द्वारका वासियों के सामने कृष्ण का असली रूप रखना होगा। और तुम्हें यह भी बताना होगा कि वह सत्य और धर्म का अवतार नहीं, छल और कपट का अवतार है। नहीं पिताजी, आप ऐसा अनस न कीजिए, आप इनकी बातों में न आइए। अच्छा, हम अपने भाई के हत्यारे कृष्ण को कभी क्षमा नहीं कर सकते। आज सारी दुनिया जान जाएगी कि कृष्ण भक्त वत्सल नहीं, हत्यारा है, खूनी है। पिताजी, पिता। खूनी है। क्या हुआ रुक्मिणी? दीदी, अपने स्वामी को देखा? नहीं तो, मैं उन्हें सब जगह ढूंढ चुकी हूँ, लेकिन उनको कोई पता नहीं। ढूंढ चुकी? फिर कहाँ गए किशन? जब से शत्राजीत ने उन पर झूठा कलंक लगाया है, उनकी आत्मा व्याकुल हो उठी। वो अवश्य कहीं चले गए हैं। चले गए? नहीं रुक्मिणी, कृष्ण स्वयं नहीं गया, इसके पीछे दुराचारी सत्राजीत का हाथ है। सत्राजीत का? लेकिन स्वामी, मुझे द्वारिका आते ही सब पता चल गया। लेकिन घबराओ मत, मैं अभी कृष्ण को लेकर आता हूं। महाराज, बलराम जी ने मुख्य द्वार तोड़ दिया और वो आ रहे। बलराम,
अजीत। कृष्ण जी, मैं आपसे पूछता हूँ, कहा है हमारे भाई प्रसेन को मारने वाला कृष्ण? तुम कृष्ण पर झूठा कलंक लगा रहे हो। जानते हो कृष्ण कौन है? बलराम का भाई। उस पर कीचड़ उछालने वाला जीवित नहीं रह सकता। आपकी शक्ति और बल को कौन नहीं जानता? आप महान हैं। पिताजी की ओर से मैं क्षमा चाहती हूँ। प्रशांत, तो ये क्या लगता है? किसी सिंह ने इसे मारा, किंतु सिमंतक मणि भी तो इसके पास नहीं है। कहाँ है वो मणि? हाय रे यार।
सिर पर मुकुट, गले में वैजंती माला, हाथ में मुरली, कौन है आप? कृष्णा। श्री कृष्णा। हाँ। कितना मधुर नाम है, नाम सुनते ही मन के तार झनकार उठे। किंतु देवी, तुम कौन हो? मैं जामवंत की बेटी जामवंती। ओह। लेकिन आप अकेले इस भयानक वन में? मैं सिमंतक मणि की खोज में निकला था, किंतु संयोग से ये मणि मेरे पास है। लेकिन तुम्हारे पास कैसे आई? ये मणि तो एक शेर के पास थी। मुझे दे दी। आपको चाहिए? लीजिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पिताजी से लूंगा। पिताजी से? हाँ, मणि के बहाने उनसे मिलन भी हो जाएगा। अच्छा, आइए। दीदी, कितने दिन हो गए, प्रभु का कोई पता नहीं। धीरज रखो रुक्मणि, सब कुछ ठीक हो जाए, कृष्ण जल्दी वापस आ जाएगा। हार गई, धीरज रखो। हमारी आज्ञा के बिना गुफा में आने वाले तुम कौन हो? पिताजी, आप श्री कृष्ण हैं, सिमंतक मणि लेने आए। ये मणि तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, उस पर हमारा अधिकार है। अधिकार? अधिकार उसी का है जिसके पास अधिक शक्ति और बल हो। तुम मेरी शक्ति को चुना भी दे रहे हो तो आजा मैदान में, जो दोनों में से जीतेगा वही उसका अधिकारी होगा। पिताजी, मन घबरा रहा है, आज कितने दिन हो गए किंतु मेरे प्रभु कृष्ण का कोई पता नहीं, कहाँ है वो? सत्यभामा, यहाँ से बहुत दूर कई दिनों से श्री कृष्ण और जामवंत में युद्ध हो रहा है। जामवंत से? भगवान, चिंता छोड़कर विघ्न विनाशक श्री गणेश की प्रार्थना करो, दूर करेंगे। जय श्री गणेश।
स्वीकार करके ये लीला भी पूर्ण कीजिए। आओ पुत्री। लीजिए प्रभु। लो पुत्री। आज सत्यभामा के हाथ हम वरमाला पहन के रहेंगे, उसे पाने का यही स्वर्ण अवसर है। हाँ, इस समय उसका पिता भी महल से दूर है और कृष्ण का भी कोई पता नहीं। आप जल्दी से उसके श्रृंगार के लिए सुंदर वस्त्र और आंगल भूषण भेज दो।
सत्यभामा, आज तुम्हें मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। नहीं, मुझे स्वीकार नहीं है। सत्यभामा, सत्यभामा, हमारे उपहार को ठुकरा कर भी तुम बच नहीं सकते। आज तुम्हें महाराज को वरमाला पहनानी ही पड़ेगा। महाराज वरमाला? ये लो, पहनाओ इन्हें वरमाला। ये दुस्साहस देखते रहो। पकड़ो, पिताजी। चिल्ला और चिल्ला, खतरा जी यहां से बहुत दूर है। मूर्छित हो गई, उठा लो इसे। कैसे हो गई कोमल नारी, इतनी भारी, आपसे भी नहीं उठाएगी। ये जरूर किसी की माया है। माया लगता तो ऐसा ही है। ये रही तुम्हारी मणि।
लेकिन मेरा भाई प्रसेन, शेर ने उसे मार डाला और शेर को मारकर जम्बवंत ने ये मणि ले ली और उनसे मैंने प्राप्त की। ये झूठ है। ये सच है, मैं ही जामवंत की बेटी जामवंती हूँ और इनके चरणों की दासी हूँ। जामवंती, सिमंत तक मन ही सही। चलो चलो पिताजी, पिताजी। मुझे मेरे पापों का फल मिल गया। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। सत्य मामा, प्रभु सत्य मामा आपकी है, किंतु इन दुष्टों को मारकर सिमंत तक मणि अवश्य प्राप्त कीजिए। का नहीं यार, मेरा भैया। भैया वे दुष्ट मन तक मणि लेके भाग रहे हैं। कौन? सद्धनवा और कृतवर्मा। आओ कृष्ण,